कल हमने हमारे जो सितंबर एग्जाम था उसके लगभग 30 क्वेश्चन डिस्कस किए थे बेटा। बाकी के क्वेश्चंस में अगर आपको दिक्कत हो तो मैं आज समझा दूंगा, अगर दिक्कत नहीं है तो फिर आगे का काम हम स्टार्ट करते हैं। अगर कोई आपको पार्टिकुलर दिक्कत है किसी भी क्वेश्चन में तो आप बता सकते हो, वो आपका डिस्कस कर लेंगे, वरना फिर आगे का काम स्टार्ट करते हैं। किसी की भी कोई भी दिक्कत है? नहीं, चलो आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा अपना 9th चैप्टर। 8th चैप्टर तक हमने पीछे डिस्कस कर लिया था एग्जाम से पहले और कंप्लीट हो गए थे। आज से हम स्टार्ट करेंगे 9th चैप्टर। स्टार्टिंग से करें बेटा, बेसिक स्टार्टिंग से समझना, अच्छे से आराम से समझेंगे और उसके अलावा साथ साथ जो भी अपनी नोट्स है वो कंप्लीट करते जाना, ठीक है? पीछे की तरह नहीं है कि कुछ नोट्स बनाए बीच के छोड़ दिए, चलो ऐसे ही। स्टार्टिंग से नोट्स बना लेना अपने आराम से, डेली के दो तीन पेज आपके पास होंगे, वो आपको कंप्लीट करना है, ठीक है? और उसको साथ साथ रिवाइज भी करते जाना है। जब साथ साथ हम चीजों को रिवाइज करते हैं तो उनको रिवाइज करने में, समझने में हमें दिक्कत नहीं आती बेटा। अब मान लो आपने 9th चैप्टर भी स्टार्टिंग से नहीं समझा और लास्ट में जाकर ये कंप्लीट हो गया और उसके आप बाद आप ये सोचो कि 9th चैप्टर को मैं समझने की कोशिश करूं, आपको बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है? इसलिए जो भी टॉपिक स्टार्ट होता है स्टार्टिंग से टॉपिक को समझो और अच्छे से समझ में आता है। जब स्टार्टिंग से चीजों को हम समझते हैं करते हैं तो बेसिक से करते हैं तो अच्छे से समझ में आता है। 9th चैप्टर का नाम क्या है? बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, ठीक है? इसको नॉर्मल बात करें तो ये कंप्लीट चैप्टर जो हमारे ये ज्योमेट्री के बेस पे, इसको बोलते हैं ज्योमेट्री, ठीक है? ये ज्योमेट्रिकल आइडियाज बोल दिया इसने, चैप्टर का नाम दे दिया, लेकिन ये ज्योमेट्री के ऊपर बेस है। ज्योमेट्री आपने सुना होगा, 5th क्लास में भी थोड़ा बहुत आता है। ज्योमेट्री में क्या क्या आता है? हमारी जो कंपास हो गया, डिवाइडर हो गया, पेन पेंसिल, ये सब हमारी ज्योमेट्री में आते हैं। इन्हीं की सहायता से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा। इन सब चीजों की भी आवश्यकता पड़ेगी। हमारा स्केल हो गया, कंपास हो गया, हमारे पास एक डिवाइडर आता है, डिवाइडर हो गया, पेंसिल हो गई, इन सब चीजों को इसमें हमारे पास यूज होंगी, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ज्योमेट्री बोलते हैं। ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है? ज्योमेट्री की आवश्यकता क्यों पड़ी? ज्योमेट्री की आवश्यकता पड़ी थी बेटा, स्टार्टिंग में अगर बात करें तो हमारे पास जो लैंड होती थी, भूमि होती थी, उसको मापने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ी थी ज्योमेट्री की। जो हमारे पास शेप साइज होती है ना, आप फील्ड में जाते हो, खेतों में जाते हो, खेतों में जो उसकी शेप होती है, साइज होती है, उसको मेजर करने के लिए मीन्स की आवश्यकता पड़ी थी ज्योमेट्री की। स्टार्टिंग में हम ज्योमेट्री का यूज उसी के लिए करते थे, जो हमारे खेत होते हैं, जमीन होती है, उसकी शेप को, साइज को, उस सब को मेजर करने के लिए ज्योमेट्री की आवश्यकता हुई थी। उसके बाद मैथ्स में इसका यूज करने लगे, मैथ्स में धीरे धीरे आता गया और ये मैथ्स में एक कंप्लीट बहुत बड़ा टॉपिक और बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ज्योमेट्री का मैथ्स में, ठीक है? इसलिए बेसिक से समझना ज्योमेट्री में। सबसे पहले जो पॉइंट आता है ज्योमेट्री का, सबसे पहले होता है पॉइंट क्या होता है। हम बहुत बार बोलते हैं कि ये पॉइंट लग गया है, पॉइंट है, पॉइंट होता क्या है? कहते हैं पॉइंट इज ए डॉट यूज टू रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट लोकेशन। ए पॉइंट इज ए डॉट, कहता जो पॉइंट है वो एक डॉट है और उसका यूज होता है, यूज टू रिप्रेजेंट एग्जैक्ट लोकेशन, जो हमें किसी भी पोजीशन को बताता है, किसी के एग्जैक्ट सॉरी, ए पॉइंट इज ए डॉट। एक पॉइंट क्या होता है? एक डॉट होता है, जैसे हमने ये डॉट लगा दिया यहाँ पर, देखो मैंने ये डॉट्स लगा दिए, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट बोलते हैं। तो एक डॉट होता है, उसी को हम पॉइंट बोलते हैं। और उसका यूज कहाँ पर होता है? उसका यूज होता है, यूज टू रिप्रेजेंट एग्जैक्ट लोकेशन, वो किसी की एग्जैक्ट लोकेशन हमें बताता है। जैसे कि हमारे पास मान लो ये कोई भी एक स्क्वायर था या कोई भी एक फील्ड था,
ठीक है, इस फील्ड के अंदर हमने यहाँ पर एक डॉट लगा दिया और इस डॉट को हमने नाम दे दिया ए। तो ये इसकी पोजीशन बताएगा इस फील्ड में, कि इस फील्ड में की पोजीशन क्या है वो ये डॉट बताएगा, ये पॉइंट बताएगा। कोई भी डॉट हमने लगाया ये पॉइंट बन गया, ये पॉइंट में बी की पोजीशन बताएगा, ये डॉट जो है बी की पोजीशन बताएगा कि बी की पोजीशन कहाँ है इस फील्ड में। ठीक है, कहीं और कहीं पर भी हमने ये डॉट्स लगा दिए, ये क्या बताता है, पोजीशन बताता है कि उसकी पोजीशन क्या है, ए की पोजीशन क्या है, बी की पोजीशन क्या है, सी की पोजीशन क्या है, पी की पोजीशन क्या है, एक्स की पोजीशन क्या है, इन सब की पोजीशन हमें बताता है ये डॉट कि अलग अलग पॉइंट्स की पोजीशन क्या होगी। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इनको पॉइंट्स बोलते हैं, इन्हीं डॉट्स को क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़ना। और एमसीक्यू में तो खासकर इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं कि जो डॉट होता है, पॉइंट होता है, पॉइंट का यूज क्या होता है, पॉइंट का यूज हमारे पास एग्जैक्ट लोकेशन को बताने में काम आता है। किसके लिए, लोकेशन को बताने में, किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी डॉट की लोकेशन बताता है कि उसकी लोकेशन क्या है। ठीक है, लोकेशन बता दी, एक ही लोकेशन अब हमें मिल गई यहाँ पर। इस मान लो ये फील्ड है, इस फील्ड में हमें एक ही लोकेशन मिल गई, एक कौन सी पोजीशन पे, बी कौन सी पोजीशन पे, पी कौन सी पोजीशन पे, तो ये लोकेशन को बताने में हमारी सहायता कर जो पॉइंट होता है। ठीक है, वो पॉइंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। जो भी आपका डाउट हो बेटा, साथ के साथ पूछ लेना और अच्छे से समझना है सभी पॉइंट्स को। कोई भी डाउट आपका साथ के साथ पूछ लेना, कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है। ठीक है, पॉइंट हमने पढ़ लिया। अब कहता है कि एक जो पॉइंट होता है ना, ना तो हाँ प्रिंस बेटा बताओ, प्रिंस हैंडरेज किया था बेटा बताओ, कोई दिक्कत है तो अपना माइक ऑन करके बता दो। पॉइंट को हम किसकी सहायता से ड्रो कर सकते हैं, किसकी सहायता से बना सकते हैं पॉइंट, पॉइंट को कहता है सबसे पहले तो हम पेन की सहायता से बना सकते हैं, हम पेंसिल की सहायता से बना सकते हैं, पेन और पेंसिल की सहायता से हम पॉइंट को बना सकते हैं कि हमारे पास पेन या पेंसिल है, उसको सिर्फ हमें एक बार यहाँ पर डॉट लगाना है, वहीं हमारे पास जैसे ये मैं उंगली जो है, आप पेन मानकर चलो, पेंसिल मानकर चलो, मैंने यहाँ पर उंगली लगा दी, ये देखो डॉट बन गया, इसी को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट बोलेंगे। ये देखो मैं एक बार बस हल्की सी उंगली है ना, हल्का सा पेन है ना, वो स्क्रीन पे लगा रहा हूँ और ये क्या बन गए, डॉट्स बन गए। तो इसकी पेन या पेंसिल की सहायता से हम डॉट बना सकते हैं। दूसरा कहता है जो हमारे पास डिवाइडर होता है ना, डिवाइडर आपने देखा होगा इस तरह से होता है, एक तरफ पेंसिल का यूज करते हैं और एक तरफ सिंगल इसी तरह से होता है वो लोहे का, तो उसकी कहता है डिवाइडर की सहायता से भी हम क्या कर सकते हैं, डॉट बना सकते हैं, कि बस हमें सिर्फ उसकी एक टिप है ना, टिप को यहाँ पर एक बार ड्रॉ करना है, लगाना है, और टिप लगाते ही वो क्या बन जाएगा, हमारे पास पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, तो ये होती है कि लोग हम बनाते कैसे पॉइंट, बस हमें एक बार जो पेन पेंसिल का टिप यहाँ पर यूज करना है और वही हमारे पास क्या बन जाता है, पॉइंट बन जाता है। आगे कहता है कि जो हमारे पास पॉइंट होता है ना, पॉइंट की कोई भी लेंथ नहीं होती, नो लेंथ, उसकी कोई भी लेंथ नहीं होती, आप इसकी लेंथ को माप सकते हो कितनी होगी, नहीं, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इनकी कोई भी लेंथ नहीं होती बेटा, पॉइंट की कोई भी लेंथ नहीं होगी, और कोई लेंथ ही नहीं होगी तो ना तो उसमें कोई यूनिट यूज होगी, पॉइंट की कोई भी यूनिट भी नहीं होगी, नो लेंथ, उसके अलावा ये भी आ सकता है नो यूनिट। ठीक है, नो थिकनेस, उसकी कोई थिकनेस भी नहीं होती है, ना लेंथ होती है, ना विड्थ होती है, ना थिकनेस होती है, ना यूनिट होती है, पॉइंट सिंपल एक पॉइंट होता है, उसका हम नाम दे देते हैं, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, सिर्फ इतना ही होता है पॉइंट में, वो सिर्फ हमें लोकेशन बताने के काम आता है, ना उसकी कोई लेंथ होती है, ना उसकी कोई विड्थ होती है, ना उसकी कोई यूनिट होती है, ना कोई उसकी थिकनेस होती है। ठीक है, ये सभी पॉइंट्स आपको याद करने, बुक में भी दिए हुए, बाकी मैं आप कहो तो आपको दो करके नोटबुक में भी भेज दूंगा, लेकिन सभी पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, पॉइंट्स की डेफिनेशन क्या होती है। हाँ बेटा बताओ, सर भेज देना।
ठीक है बेटा, बुक नहीं है? चल नोटबुक भी मैं जैसे छाट के पॉइंट्स को, ठीक है मैं बता भेज दो दूँ क्या बेटा? पॉइंट की डेफिनेशन बता दो। पॉइंट की डेफिनेशन, पॉइंट कहता है कि पॉइंट इज ए डॉट, ए पॉइंट इज ए डॉट यूज्ड टू रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट लोकेशन। कोई नहीं बेटा, समझ लो मैं भेज दूंगा, आप नोट वगैरह मत करना कोई, अभी अगर बुक भी नहीं है तो मैं भेज दूंगा आपके पास नोटबुक से, ठीक है? लेकिन यस अभी साथ साथ नोट नहीं करना, साथ साथ आपको सिर्फ समझना है। ए पॉइंट इज ए डॉट यूज टू रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट लोकेशन। एक पॉइंट जो होता है वो एक डॉट होता है, जैसे हमने ये डॉट्स बना दिए, और कहता है ये किसी की भी एग्जैक्ट लोकेशन को बताने में हमारी सहायता करता है, ठीक है? उसकी कोई यूनिट होती है? नो यूनिट होती है, नो लेंथ होती है उसकी, ना कोई लेंथ होती है, ना कोई उसकी थिकनेस होती है, ना उसकी कोई ब्रेथ होती है, उसमें कुछ भी नहीं होता, उसको हम पेन या पेंसिल की सहायता से बना सकते हैं। ये था हमारे पास एक पॉइंट, ठीक है? पॉइंट के बाद आता है हमारे पास लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट लाइन सेगमेंट क्या कहता है? अगर मैं आपको डायरेक्ट बिल्कुल बेसिक तरीके से बताऊं बेटा, तो लाइन सेगमेंट क्या होगा, डेफिनेशन में क्या बता दूं, ए लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। कहता है लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। देखो कहता लाइन सेगमेंट क्या होगा, लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। कहता कोई भी दो पॉइंट्स हमारे पास होंगे, और उन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, जो सबसे स्मॉल डिस्टेंस होगी, उसी डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट बोलेंगे। पॉइंट हमने देखा कि हम कोई भी डॉट होता है उसको हम पॉइंट बोलते हैं। अब कहता है अगर दो पॉइंट्स हमारे पास है, और दो पॉइंट्स के बीच की हम जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मापते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को मेजर करते हैं, तो उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है? लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। जैसे डेफिनेशन याद कर लेना, और लिखने की आवश्यकता नहीं है अभी, सिर्फ समझ लो डेफिनेशन कहना क्या चाहती है, फिर उस हिसाब से मैं बेसिक पॉइंट्स बताऊंगा इसका, कि लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स हमारे पास है, कोई भी दो पॉइंट हो सकते हैं, उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। कैसे, देखो कोई भी दो पॉइंट हमने ले लिए, एक ये पॉइंट लिया और एक ये, मैं ये पॉइंट से बेटा, मैंने पहले आपको इतना बताया था, मैं ये थोड़ा सा डार्क क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको समझ में आ जाए, ये पॉइंट दिखाई नहीं देता, कम दिखाई देता है, इसलिए मैंने इसको डार्क किया है, ठीक है? ये एक पॉइंट हमने ले लिया ए, और ये एक पॉइंट हमने ले लिया बी, ये नाम दे दिया ए और बी। अब जो ए और बी है बेटा, उनके बीच में हम बहुत ज्यादा डिस्टेंस कर सकते हैं, जैसे एक हमने ये डिस्टेंस कर दी इन दोनों के बीच में, एक हमने ये डिस्टेंस कर दी, एक हमने ये डिस्टेंस की, एक ये डिस्टेंस की, ये डिस्टेंस की, ये भी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, लेकिन कहता है इन दोनों के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी ना, उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट बोलेंगे। आप आसानी से बता सकते हो, ये रास्ता जो है ये आप घूम के आ रहे हैं, ये वाला रास्ता ये भी घूम के आ रहा है, ये वाला रास्ता भी घूम के आया है, ये भी घूम के है, ये भी घूम के, मतलब ये सभी लेंथ ही है, इन सभी की लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, तो हम इनको लाइन सेगमेंट में काउंट नहीं करेंगे। लाइन सेगमेंट का मतलब होता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होनी चाहिए दोनों के बीच में, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस तरह से बनेगी जब हम उनके बीच में स्ट्रेट लाइन का यूज करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट होगी, ठीक है? ये बनेगी उन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट।
आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ये होगा बेटा, अभी तक पीछे हम जब लाइन पढ़ते थे तो हम इसको लाइन नहीं बोलते थे कि कोई भी डिस्टेंस हमारे पास है, ए बी डिस्टेंस है, सी डी डिस्टेंस है, हम उसको क्या बोलते थे, लाइन बोलते थे। जैसे कि हमने ये कोई भी डिस्टेंस खींच दी, हम इसको लाइन बोलते थे, लेकिन ये लाइन नहीं है बेटा, ये क्या, लाइन सेगमेंट है। ठीक है, बोल देते हैं हम वैसे साइंस के लैंग्वेज में, बोल देते हैं मैथ की में भी, जब तक हम लाइन सेगमेंट नहीं पढ़ते उससे पहले हम इसको लाइन ही बोलते हैं, लेकिन ये लाइन नहीं होती है, ये एक्चुअल में क्या होती है, लाइन सेगमेंट होती है। ठीक है, लाइन एक अलग चीज होती है, वो अभी पढ़ेंगे। लाइन सेगमेंट हो गया, लाइन सेगमेंट कहता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट बोलेंगे। ठीक है, कोई ड्रॉ करने के लिए कहे तो उनके बीच में स्ट्रेट डिस्टेंस आपको ड्रॉ करनी है, आपको इस तरह से घुमाकर डिस्टेंस को ड्रॉ नहीं करना है, ये क्या नहीं होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं होगी। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें ड्रो करनी है तो बिल्कुल स्ट्रेट डिस्टेंस आएगी, ये होगी। दोबारा से समझाऊं बेटा, देखो कहता लाइन सेगमेंट क्या होगा, लाइन सेगमेंट क्या होगा, तो लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन बताता है कि लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, कहता दो पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट सबसे स्मॉल डिस्टेंस जो होती है उसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। शॉर्टेस्ट का मतलब हो जाता है सबसे स्मॉल, सबसे छोटी डिस्टेंस, और डिस्टेंस जो दो पॉइंट्स के बीच में होगी उसको हम क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट बोलेंगे। अब जैसे डिस्टेंस तो ए और बी के बीच में मैंने अलग अलग आपको दिखाई कि ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में ये भी एक डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, लेकिन हमें सिर्फ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का यूज करना है, जो सबसे स्मॉल डिस्टेंस होगी उसका हमें यूज करना है, और सबसे स्मॉल डिस्टेंस कौन सी होगी, इन दोनों के बीच में जो स्ट्रेट डिस्टेंस होगी उस वो क्या होगी, सबसे स्मॉल डिस्टेंस होगी, और उसी को हम क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट बोलेंगे। ठीक है, जो डायरेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट होगी, स्ट्रेट डिस्टेंस जो होगी उसको हम लाइन सेगमेंट बोलेंगे, ये हो जाएगा ए बी, क्या बन जाएगा, एक लाइन सेगमेंट बन जाएगा। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए बी एक लाइन सेगमेंट है तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए बी, और ए बी के ऊपर जैसे हम बार लगाते हैं इस तरह से ये बन जाएगा लाइन सेगमेंट का सेगमेंट। ठीक है, या फिर इसका अपोजिट भी हो सकता है, ए से बी तक भी है और बी से ए तक भी, तो इसको हम बी ए भी बोल सकते हैं। ठीक है, ए बी या फिर बी ए, ये इसका क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में। अगर आपको कहीं पर इस तरह का सिंबल मिल जाए कि ए बी और ए बी के ऊपर बार लगा हुआ है तो आप समझ जाना कि ए बी क्या एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, आपको कहीं पर भी मिल जाए, कहीं कभी कभी एमसीक्यू में भी आ जाता बेटा, और वैसे भी वो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में वो कंफ्यूज करने के लिए ये नहीं बताता कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है, वो सिर्फ ये कर देता है कि ए बी को इस तरह से रिप्रेजेंट कर देता है ए बी, और ए बी के ऊपर उसने लाइन सेगमेंट बना लिया, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ए बी क्या एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, या फिर इस तरह से भी हो सकता है बी ए और बी ए के ऊपर क्या बन जाएगा, लाइन सेगमेंट बन जाएगा, तो ये भी क्या होगी एक ए बी ए क्या बन जाएगी, एक लाइन सेगमेंट। ठीक है, ये ए बी और बी ए कुछ नहीं है, डिस्टेंस हमेशा सेम ही होती है, ये हो जाता है कि ए बी का मतलब हो गया हम ए से बी पॉइंट तक जा रहे हैं, बी ए का मतलब हो जाता है हम बी से ए पॉइंट तक जा रहे हैं। ठीक है, बाकी जो डिस्टेंस होती है वो सेम होती है, सिर्फ जो डायरेक्शन होती है वो चेंज हो जाती है, कि ए बी का मतलब ए से हम स्टार्ट करेंगे और बी पॉइंट तक जाएंगे, ए पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे बी पॉइंट तक जाएंगे। जो ए बी है, ए बी का मतलब क्या हो गया कि हमने ए पॉइंट से स्टार्ट किया है और ए पॉइंट से हम बी पॉइंट तक गए, ये हो जाता है ए बी, इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है।
इसके ऊपर जो एरो लगेगा वो इस तरह से लगेगा कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हम जा रहे हैं, बी पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, ये हो जाता है ए बी। और अगर बी ए में एरो इस तरह से स्टार्ट करके हम ए पॉइंट तक जाते हैं, ये हो डिस्टेंस जो है वो फिक्स रहेगी 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहेगी, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है जब हम ए बी और बी ए लिखते हैं तो। ठीक है, ये आपके अभी काम नहीं आएगी, बड़ी वाली क्लासेज में जाओगे आपके तब ये काम आएगी आपकी कि ए बी और बी ए किस तरह से अलग होते हैं। ठीक है, आप अभी सिर्फ इतना समझो कि ए बी की डिस्टेंस भी वही है, बी ए की डिस्टेंस भी वही है, दोनों डिस्टेंस आपकी सेम। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। अच्छा, इस लाइन सेगमेंट में जो ए और बी पॉइंट्स होते हैं, ए और बी पॉइंट्स देखो एंड में है बिल्कुल, तो ए एंड बी को क्या बोलते हैं, ए एंड बी एंड पॉइंट्स बोलते हैं लाइन सेगमेंट के, कि जो लाइन सेगमेंट है वो एंड हो गई, खत्म हो गई ए और बी के ऊपर, तो ए एंड बी क्या बन गए, एंड पॉइंट्स बन गए। ठीक है, आपने शायद 5th क्लास में भी आता है ये लाइन, लाइन सेगमेंट और एक वे, तीनों चीजें आपने पढ़ी होंगी, उसमें पूछते हैं कि वे में कितने एंड पॉइंट्स होते हैं, लाइन में कितने एंड पॉइंट्स होते हैं, लाइन सेगमेंट में कितने एंड पॉइंट्स होते हैं, तो लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट होते हैं, एक ये ए और एक बी, 2 एंड पॉइंट होंगे। ठीक है, 2 एंड पॉइंट होंगे एक लाइन से, कोई भी लाइन सेगमेंट आप खींचोगे बनाओगे लाइन सेगमेंट में हमेशा एक ये मान लो सी पॉइंट था और एक ये डी पॉइंट था, तो सी और डी 2 एंड पॉइंट बन जाएगी। कोई भी लाइन सेगमेंट आप बना देना, किसी भी लाइन सेगमेंट को आप बनाओगे हमेशा उसमें 2 एंड पॉइंट से यूज होंगे, एक ए, एक ये ए हो गया, एक ठीक है। लाइन सेगमेंट के बारे में आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, इतना आपको पता होना चाहिए इनको। बेटा कोई पॉइंट अगर आपका रह भी जाता है तो उसके बाद जब वीडियो अपलोड हो जाती है तो आप वीडियो देख सकते हो, उसकी लिंक आपके पास भेजते हैं शाम तक, या फिर आज शाम तक भी नहीं हो पाता तो कल सुबह तक जो आज पढ़ा है उसका लिंक आपके पास आ जाता है YouTube की वीडियो का, तो आपको अगर कोई पॉइंट नहीं आता समझ में आप वहां पर भी एक बार जाकर देख सकते हो दोबारा से इसको। ठीक है, देखो अगला पॉइंट हमारे पास है लाइन क्या होती है। लाइन सेगमेंट हमने पढ़ लिया, अब लाइन क्या कहते बताता है, लाइन की स्टेटमेंट देखेंगे। व्हेन ए लाइन सेगमेंट इज एक्सटेंडेड, हाँ बताओ बेटा रुपेश, रुपेश बताओ बेटा क्या दिक्कत है, एंड लेसली रुपेश बताओ, बेटा किसी को भी कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आता है तो पूछ लेना, अपना माइक ऑन करके पूछ लो, माइक ऑन आपको करना आता है फिर भी नहीं आता है तो मुझे बता देना, मैं करवा दूंगा। देखो अगर फिर भी कोई दिक्कत हो पेश, अगर माइक ऑन नहीं हो रहा हो तो मुझे बता देना, मैं माइक ऑन दोबारा से एंड कर देना, मैं माइक ऑन कर दूंगा अगर दिक्कत हो तो। लाइन सेगमेंट के बाद हम पढ़ते हैं लाइन, लाइन की डेफिनेशन क्या कहता है, व्हेन ए लाइन सेगमेंट इज एक्सटेंडेड एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शंस, कहता है जो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट होता है, लाइन सेगमेंट को हम क्या कर देते हैं, एक्सटेंडेड कर देते हैं, एक्सटेंडेड का मतलब आगे बढ़ा देते हैं, एक्सटेंड करना मतलब बढ़ाना, एंडलेसली, एंडलेसली का मतलब जिसमें कोई एंड नहीं है, हम उसको बढ़ाते जाते हैं, उसका कोई फिक्स पॉइंट नहीं, हमें पता है कि फिक्स पॉइंट वो कहां तक आगे बढ़ती है, वो एंडलेसली बढ़ता है, एंड का मतलब जहां पर वो खत्म हो जाए, और एंडलेसली मतलब वो कहीं पर भी खत्म नहीं हो रही, वो आगे बढ़ती जा रही है इन बोथ डायरेक्शन, कहता है दोनों डायरेक्शन में दोनों पॉइंट से। जैसे कि हमारे पास लाइन सेगमेंट में एक पॉइंट ए था एक पॉइंट बी था, तो कहता वो दोनों डायरेक्शन में, ए डायरेक्शन से भी और बी डायरेक्शन से भी वो एंडलेसली आगे बढ़ती जा रही है, उसका कोई फिक्स पॉइंट नहीं आ रहा है, एंड पॉइंट नहीं आ रहा है, वो आगे तक बढ़ती जा रही है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, फिर लाइन बोलते हैं। ठीक है, लाइन सेगमेंट हमारे पास ए बी थी,
मैं पहले एक बार आपको हल्का सा दिखा देता हूँ स्टेटमेंट के साथ। ये हमारे पास लाइन सेगमेंट ए बी थी और ए बी लाइन सेगमेंट को कहते हैं हम एक्सटेंड कर देते हैं। एक्सटेंड का मतलब आगे बढ़ा दे, एक्सटेंड कर देते हैं एंडलेसली विदाउट एंड, मतलब उसका कोई एंड नहीं है, वो आगे बढ़ती जा रही है इन बोथ डायरेक्शंस, दोनों तरफ, ए की डायरेक्शन से भी बी की डायरेक्शन से भी। तो वो कहता है कि हमें एक लाइन मिलती है, वी गेट ए लाइन, हमें एक लाइन प्राप्त होती है। ठीक है, स्टेटमेंट आ गई। इसके अलावा मैं आपको अब दिखाता हूं दोबारा से करके। ये मान लो हमारे पास कोई लाइन है, लाइन हम इस तरह से, कोई लाइन सेगमेंट है, इसको हम इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह से भी, कोई दिक्कत नहीं बेटा, वो इसकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। ठीक है, ए बी एक हमने क्या ले लिया, ए बी एक लाइन सेगमेंट ले लिया, और ए बी लाइन सेगमेंट को कहता है हमें एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड का मतलब है आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, कहां तक आगे बढ़ाना है, एक्सटेंड हमने कर दिया, लेकिन कहता जो एक्सटेंड हमने किया है वो एंडलेसली एक्सटेंड करना है, मतलब इस तरह से एक्सटेंड करना है कि उसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, उसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, तो हम उसके आगे कहीं पर भी पॉइंट नहीं लगाएंगे, वो उसके आगे हम एरो का निशान लगा देंगे कि वो आगे बढ़ता जा रहा है, हमें नहीं पता वो कहां तक आगे बढ़ेगा। ठीक है, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, ये हमारे पास क्या था, लाइन सेगमेंट था, ए ओ बी एक लाइन सेगमेंट था, ए ओ बी लाइन सेगमेंट के बाद कहता हमने इसको आगे बढ़ा दिया, हमें नहीं पता ये आगे कहां तक जाएगी, और इस तरफ भी हमने इसको आगे बढ़ा दिया, हमें नहीं पता ये आगे कहां तक जाएगी, तो कहता ये क्या बन जाती है, लाइन बन जाती है, लाइन के अंदर कोई भी एंड पॉइंट नहीं हो। ठीक है, लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट थे ए एंड बी, लेकिन कहता जब भी लाइन बनेगी ये आगे बढ़ाएंगे इसके, तो इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होगा। दोबारा से ये बेटा स्टार्टिंग से यही है बस, देखो ये हमारे पास लाइन सेगमेंट था ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी था, कहता इस लाइन सेगमेंट ए बी को हम क्या करते हैं, आगे बढ़ा देते। आपको इस तरह से कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं इस तरह से बना देता हूँ लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट ए बी हमारे पास था, इस लाइन सेगमेंट ए बी को कहता है हम दोनों तरफ से आगे बढ़ा देते हैं, ए की डायरेक्शन से भी हमने आगे बढ़ाना स्टार्ट किया और बी की डायरेक्शन से भी हमने आगे बढ़ाना स्टार्ट किया, और हम आगे तक बढ़ाते जाते हैं, इनका कोई एंड पॉइंट नहीं है, हमें नहीं पता ये आगे कहाँ तक बढ़ती जाएगी। ठीक है, हमें इनका एंड पॉइंट नहीं पता, वो कहता था ना एक्सटेंडेड एंडलेसली, एंडलेसली मतलब उसका कोई एंड पॉइंट नहीं आता, आगे चलकर एंड पॉइंट नहीं आता है, तो वो आगे तक चलते जाएंगे, उसकी कोई फिक्स लेंथ भी नहीं होगी, और हमें नहीं पता उसका एंड पॉइंट भी क्या होगा, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, लाइन। ठीक है, ए और बी पॉइंट तक हमारे पास क्या होगा, लाइन सेगमेंट होगा, ए और बी पॉइंट से जब हमने इसको आगे बढ़ाना स्टार्ट किया एंडलेसली विदाउट एंड के, जब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, हमें नहीं पता इसका एंड पॉइंट कहाँ पर है, तो इसको क्या बोल देते हैं, हम लाइन बोल देते हैं, और ये आगे बढ़ती जाएगी इसी तरह से। ठीक है बेटा, इसको आगे देखो, अब इसके आगे हम पॉइंट नहीं लगाएंगे, सिर्फ इसके आगे हमने एरो लगा दिया, एरो का मतलब ये होता है कि इसी तरह से आगे बढ़ती जाएगी। ये देखो, ये पॉइंट था ए बी, और बी के बाद हमने क्या लगा दिया, एरो लगा दिया, इसका मतलब ये हो गया अब इसके आगे ये हमें नहीं पता कहाँ तक जाएगी, लेकिन इसी तरह से आगे बढ़ती जाएगी। इधर लेफ्ट हैंड साइड में भी ए पॉइंट था, और ए पॉइंट के बाद हमने एरो लगा दिया, मतलब इसके बाद ये आगे बढ़ती जाएगी, हमें नहीं पता इसकी फिक्स लेंथ क्या होगी, कहाँ तक बढ़ती जाएगी। ठीक है, दोनों तरफ इंक्रीज होती जाएगी, तो इसको क्या बोल देंगे, लाइन बोल देंगे। लाइन में कोई भी एंड पॉइंट हमारे पास नहीं होता बेटा, ये ध्यान रखना, आपने पीछे भी पढ़ा हुआ होगा, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, ना ही इसकी कोई फिक्स लेंथ होती है। ठीक है, नो एंड पॉइंट, ये तो डेफिनेशन में ही हमने देखा था कि उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, और कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, और नो फिक्स्ड लेंथ, नो फिक्स्ड
लेंथ, इसकी कोई फिक्स लेंथ भी नहीं होगी, हमें नहीं पता ये आगे कहाँ तक जा रही है, तो हम इसकी फिक्स लेंथ नहीं बता सकते कि 5 सेंटीमीटर गई, 10 सेंटीमीटर, 15, 20, 25 कहाँ तक गई, हमें कुछ नहीं पता। तो इसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं होती है, हम इसकी लेंथ नहीं बता सकते हैं लाइन की, इस लाइन की लेंथ कितनी होगी। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए बी और ए बी के ऊपर इस तरह से। ए बी के ऊपर इस तरह से हमने एरो के साइन के साथ क्या लगा दी, लाइन लगा। जो ये नीचे देखो एरो थे ना, इसी यही हमारे पास यहाँ पर है, ये रिप्रेजेंट करता लाइन को। अगर आपको कहीं पर इस तरह का सिंबल मिल जाए ए बी और ए बी के ऊपर आपको लाइन सेगमेंट के साथ एरो लगे हुए हैं, तो आप समझ जाना कि लाइन है। ये क्या, किसकी बात कर रहा, वो किसी लाइन की बात कर रहा है। ठीक है, जैसे हमने लाइन सेगमेंट में देखा था, लाइन सेगमेंट में ए बी के ऊपर सिर्फ एक लाइन सेगमेंट का सिंबल होता था, तो ये मैंने क्या बताया था, ये लाइन सेगमेंट है। अगर इसके साथ एरो लग गई, एरो लगते ही मतलब ये क्या हो जाता है कि आगे बढ़ती जाएगी, इसी तरह से आगे बढ़ती जाएगी, तो ये क्या बन जाएगी, लाइन बन जाएगी। ठीक है, मेन मेन पॉइंट्स क्या है बेटा, लाइन सेगमेंट था, लाइन सेगमेंट को हमने आगे बढ़ा दिया दोनों तरफ से, तो वो क्या बन गई, लाइन बन गई। लाइन में कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, क्योंकि हमें नहीं पता वो कहां तक आगे बढ़ेगी, तो उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, उसकी कोई फिक्स लेंथ भी नहीं होती है, और उसको रिप्रेजेंट करने का सिंबल ये वाला। ठीक है, सेम उसी तरह से ए बी भी लिख सकते हैं, या फिर हम क्या लिख सकते हैं इसको, बी ए, बी ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों इसके क्या हो जाएंगे, सिंबल हो जाएंगे। ये एरो का मतलब ये होता है कि आगे तक जाएगी, इसकी कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, एरो का मतलब यही होता है बेटा कि एंडलेस है, और डायरेक्शन भी शो करता है ये कि कौन सी डायरेक्शन में है। अगर एरो के बाद पॉइंट आ जाता है, एरो के बाद पॉइंट आ गया जब, तो वो फिक्स हो जाएगी उसकी, लेकिन एरो के बाद अगर कोई पॉइंट नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, एंडलेस हो जाएगा, उसकी हमें फिक्स लेंथ। ठीक है, एक इसी के, ठीक है अभी क्या बेटा, अपना माइक बंद रखो। रूपेश राजपूत बेटा, कोई दिक्कत है तो बताओ, ना मैं माइक ऑफ करो। देखो ये तीनों चीजें साथ ही आते देखेंगे, सबसे पहले रे की डेफिनेशन क्या, लाइन सेगमेंट इज एक्सटेंडेड एंडलेसली इन वन डायरेक्शन, कहता है कि हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट है, व्हेन ए लाइन सेगमेंट इज एक्सटेंडेड एंडलेसली इन वन डायरेक्शन, कहता कोई भी लाइन सेगमेंट है और उस लाइन सेगमेंट को हम क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, आगे बढ़ाते हैं एंडलेसली, बिल्कुल उसी तरह का जैसे हमने लाइन में पढ़ा था, यहां तक की डेफिनेशन बिल्कुल वहां तो उसी तरह से, कि कोई लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट को हम एक्सटेंड करते हैं एंडलेसली इन वन डायरेक्शन, ये पॉइंट अलग है बेटा, वहां पर क्या था, बोथ डायरेक्शन, उसको लाइन को हम क्या करते हैं, दोनों तरफ आगे बढ़ाते हैं लाइन बनाने के लिए, और वे बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ वन डायरेक्शन में, सिर्फ एक डायरेक्शन में हम उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, उसको क्या करते हैं, एक डायरेक्शन में, व्हेन ए लाइन सेगमेंट इज एक्सटेंडेड एंडलेसली इन वन डायरेक्शन, एंडलेसली मतलब विदाउट एंड के वो आगे बढ़ता जाता है, उसको एक्सटेंड करते जाते हैं, आगे बढ़ाते जाते हैं, उसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, लेकिन किसमें, इन वन डायरेक्शन, सिर्फ एक डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में उसका एंड पॉइंट मिलेगा और एक डायरेक्शन में उसका एंड पॉइंट नहीं मिलेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वे बोलेंगे। ठीक है, और जो उसका
एक एक साइड हमें उसका पॉइंट मिलेगा, उस पॉइंट को हम क्या बोल देंगे, इनिशियल पॉइंट या फिर स्टार्टिंग पॉइंट या फिर एंड पॉइंट, कुछ भी बोल सकते हैं। पहली डेफिनेशन समझो, लाइन सेगमेंट को हमने क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया एक साइड, एक डायरेक्शन में हम उसको आगे बढ़ा दिया, तो वो क्या बन जाती है, वे बन जाती है। मैं आपको दिखाऊं किस तरह से, ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, ये ए और ये बी। इस लाइन सेगमेंट को कहता है हम किसी भी तरफ बढ़ा सकते हैं, ए की साइड भी और बी की साइड भी, किसी भी एक साइड हमने इसको आगे बढ़ा दिया और हमें नहीं पता ये आगे कहां तक जाएगी, हम इसको आगे बढ़ाते गए और उसके बाद हमने इसके बाद एरो लगा दिया कि ये आगे बढ़ रही है इसी तरह से, तो ये क्या बन जाता है, वे बन जाता है। लाइन बनाने के लिए हमने क्या किया था, दोनों तरफ इसको आगे बढ़ा दिया था, लेकिन हमें इसमें दोनों तरफ आगे नहीं बढ़ाया, सिर्फ एक साइड हमने इसको आगे बढ़ा दिया, एक साइड आगे बढ़ा दिया, तो ये क्या बन जाएगी, वे बन जाएगी। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक एंड पॉइंट होता है, ये जो ए है ए इसका क्या है, एंड पॉइंट है, ए इसका क्या है, एंड पॉइंट है, या फिर एंड पॉइंट भी बोल दो, स्टार्टिंग पॉइंट भी बोल दो, इनिशियल पॉइंट भी बोल दो, कि यहाँ ए से उसने स्टार्ट किया, ए से बी तक गया, ए से बी तक एक लाइन सेगमेंट बना और उसके बाद वो आगे बढ़ता गया। ठीक है, ये आगे इस तरह से बढ़ता गया। अगर बात करें वे में कितने एंड पॉइंट होते हैं, तो ओनली वन एंड पॉइंट होता है वे में, एक एंड पॉइंट होता है वे का। ठीक है, वे का एंड पॉइंट कितने होते हैं, एक एंड पॉइंट वे के अंदर हमें मिलता है। लाइन सेगमेंट में हमें कितने एंड पॉइंट मिले थे, टू लाइन सेगमेंट में, लाइन सेगमेंट में टू, लाइन में जीरो, कोई एंड पॉइंट नहीं था, और इसमें वे में हमारे पास एक एंड पॉइंट होता है। ठीक है, ये इसका क्या हो जाता है, स्टार्टिंग पॉइंट, ए की तरफ इसने पॉइंट दिखा दिया, मतलब ए इसका क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, इसकी कोई फिक्स लेंथ भी नहीं होती है, हमें नहीं पता बेटा, एक साइड तो हमें पता है फिक्स है, एक ही साइड तो हमें पता है फिक्स है, लेकिन जो इस तरफ है राइट हैंड साइड में हमें नहीं पता ये कहां तक जाएगी, तो इसकी नो फिक्स लेंथ, नो फिक्स्ड लेंथ, इसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं होगी, कि इसकी फिक्स लेंथ इतनी होगी ये हम नहीं बता सकते, इसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं होगी। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से, ए हमारे पास एंड पॉइंट पे है और बी की तरफ ही आगे बढ़ रहा है, तो इसको इस तरह से लिखेंगे, ए की तरफ तो एंड पॉइंट आ जाएगा और बी की तरफ हम क्या लगा देंगे, एरो लगा देंगे। ठीक है, लाइन सेगमेंट में देखो, लाइन सेगमेंट में दोनों एंड पॉइंट थे, तो दोनों एंड पॉइंट को हमने दिखाया था सिर्फ इस तरह से, लाइन में हमारे पास दोनों तरफ वो एक्सटेंड हो रही थी, तो दोनों तरफ हमने एरो लगा दिया था, वे में हमारे पास सिर्फ एक तरफ वो वन डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रही है, तो जिस डायरेक्शन में वो एक्सटेंड हो रही है उस डायरेक्शन में हम एरो लगा देंगे, और जिस डायरेक्शन में वो फिक्स है, जिस पॉइंट पर वो फिक्स है, वहां पर एक फिक्स पॉइंट लगा देंगे। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए बी को रिप्रेजेंट करेगा, और ए बी क्या पता हमें कैसे पता लगेगा, ये वे है। अगर आपको कहीं पर भी ये सिंबल मिल जाए तो आपको समझ जाना ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एक वे को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें अगर ये बी की तरफ ना हो के ए की तरफ एक्सटेंड हो जाए, ये बी की तरफ